सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं एसएस मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ नामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। गर्मी में किन गज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ गज़ाओं का इस्तेमाल भी आपको सेहतमंद और गर्मी से महफूज रख सकता है। मौसम गर्मा में अपनी खुराक में दर्ज ज़ैल गज़ाओं को लाजमी शामिल करें। नंबर एक, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां आसानी हजम हो जाती हैं, साथ ही इनमें पानी की वाफर मकदार भी होती है, जिसे मौसम गर्मा की अहम जरूरत तस्लीम किया जाता है। मौसम गर्मा में सलाद बनाते हुए इसमें ऐसे फल और सब्जियां शामिल करें जो आपके जिस्म की गर्मी को हाइड्रेटेड रख सके। नंबर दो, मसालेदार गजाएं। गर्म मौसम में मसालेदार गजाओं का इस्तेमाल पसीने के अखराज में इजाफा करता है और ये आपकी तवानाई में कमी का बायस बनता है, इसलिए ज्यादा खानेदार मसालों से गर्मियों में परहेज करना चाहिए। नंबर तीन, कम चर्बी वाला गोश्त। मुजरे से है चर्बी इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक होती है। ये जिस्म में नमक की मकदार बढ़ाने का सबब बनती है, खसूसन अमराज कलब के मरीज चर्बी वाला गोश्त, गुर्दे, मगज, सिरिपाए और कलेजी वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें मौजूद चर्बी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ा देती है, जो कि इन मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। मंदरजा बाला बातों में एहतियात पर अमल करते हुए आप जिस्म में पानी की कमी और सेहत में गरानी से बच सकते हैं। इन हदायत पर खुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी इस बारे में तरगीब दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।